हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास सेवन्थ टॉपिक चल रहा है अपना ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं 10.1 क्वेश्चन नंबर 16। पहले 15 क्वेश्चन हो चुके हैं जिन्हों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट की कह रही है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 120 डिग्री। देखो पिछला क्वेश्चन आप किया से इन नाल दा, ये अपने को ट्रायंगल है ए बी ते सी, ए साइड में अगे वधाता, ये एंगल एक्सटीरियर है, ये कितना दिता अपन 120 डिग्री। एंड इंटीरियर ओपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर ओपोजिट एंगल। कहता जो दो इंटीरियर ओपोजिट है ए ते बी, ए ते बी का रेशियो कितना, ए रेशियो बी दैट इज 1:2। ठीक है, ए ते बी का अपने को रेशियो कितना 1:2। आप सी दी सॉरी ए ते बी दी वैल्यू फाइंड करनी, यही अपने को। तो देखो आप करांगे, लैट एंगल ए 1 है सो 1 ए हो गया, तो एंगल बी 2 है सो कितना हो गया 2 ए। ए की है कॉमन मल्टीपल है दोवें एंगल का, ए की है दोवें एंगल का कॉमन मल्टीपल। एक्सटीरियर एंगल कितना, एक्सटीरियर एंगल ए अपने को 120 डिग्री, यही आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया। हुण अपने को प्रॉपर्टी हुणे पढ़ी है, केड़ी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जेडे इंटीरियर ओपोजिट एंगल होंदे ना वो कदे इक्वल होंदे आ एक्सटीरियर एंगल दे, मतलब जिहड़ा बाहरला एंगल है इन्हां दोवां दे सम दे इक्वल है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू की है एक्सटीरियर एंगल, यही अपने को रीजन की आ गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती E मतलब एक्सटीरियर, A मतलब एंगल, P मतलब प्रॉपर्टी। हुण A दी वैल्यू पुट करो, A दी वैल्यू 1A ते B दी वैल्यू 2A इक्वल टू की आ गया 120। 120 क्यों आया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कितना 120 डिग्री। ओके सो 1A ते 2A कितना हो गया 3A, क्योंकि दोवें इंग्लिश वाले लैटर सेम है ना, तो अपने को नंबर की आएंगे ऐड होंगे, सो 3A इक्वल टू 120। हम इंग्लिश वाले लैटर नाल कौन है 3 है, तो दोवां साइड आप कद नाल डिवाइड करांगे 3 नाल, सो अपने कोल की आ गया डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दोवां साइड कद नाल डिवाइड करो 3 नाल, सो कितना आ गया 3a बाय 3 इक्वल टू 120 बाय 3, 3 नाल 3 कट हो गया, सो a कितना आ गया इतों, ए दी वैल्यू आ गई 40, ए 40 आ गया, समॉल ए आपां लेट कीता सी कॉमन मल्टीपल ओ किन्ना आ गया 40, मतलब एंगल ए किन्ना आ गया 1 ए आ, सो 1 × 40 सो एंगल ए दी वैल्यू आ गई 40 डिग्री, एंगल ए दी वैल्यू आ गई 40 डिग्री। हुण आपां फाइंड करनी है एंगल बी दी वैल्यू, सो दैट इज 2 ए, सो 2 × 40 सो एंगल बी किन्ना आ गया 80 डिग्री। ये आ गया अपने को ए भी आ गया बी भी आ गया, दोवां ऐड करो 40 ते 80 किन्ना हुंदा 120, मतलब अपना आंसर की है बिल्कुल सही है। ओके तो ये अपने को क्वेश्चन नंबर 16, अगली वीडियो दे विच क्वेश्चन नंबर 17।